हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो वाटर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, लेकिन उससे पहले ही वाटर में से कुछ बबल्स निकलने लगते हैं। तो क्या रीज़न है कि वो बबल्स पहले ही निकलने लगते हैं और वाटर अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होता? मतलब ये कि वाटर बॉयल नहीं हो रहा है और बबल्स निकल रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ये मान लेते हैं कि एक बीकर है और ये बीकर है और इसमें वाटर फिल किया हुआ है और इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसको यहां से हीट किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है। तो जब हीट करेंगे तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर पहुंचता है तो ये बॉयल होने लगेगा, लेकिन उससे पहले ही इसमें से कुछ बबल्स उठने लगते हैं, बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, कुछ बबल्स निकलने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये बबल्स क्यों निकलने लगते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो ये बबल्स, जाहिर सी बात है, ये गैस है जो कि निकलने लगते हैं। अब इसको समझने के लिए, इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम एक फिगर यहां पर और ड्रॉ करते हैं, ये, और इसमें ये मान लेते हैं कि भी बीकर है और इसमें हमने वाटर लिया। वाटर हम जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है। अब इसमें कोई सोल्यूट ऐड करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें शुगर ऐड करते हैं। इसमें अगर हम शुगर ऐड करें, इसमें हमने शुगर ऐड किया, तो शुगर ऐड करेंगे तो एक डेफिनेट क्वांटिटी होती है कि कितने वाटर में कितना शुगर हम ऐड कर सकते हैं, कितने वाटर में कितना शुगर घुल सकता है। अब उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर वो नहीं घुलेगा। एक रूम टेम्परेचर पे जितना वाटर इसमें है उसमें हमने शुगर ऐड किया, तो ऐड करते रहे, फिर उसके बाद एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद शुगर ऐड करेंगे तो वो नहीं घुलेगा। तो लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो शुगर की सॉल्युबिलिटी है ये बढ़ जाए, शुगर उसमें और ज्यादा घुल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए ये जो वाटर हमने लिया है इसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसको हीट कर देंगे, वाटर को हीट कर देंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब इसमें हम और ज्यादा शुगर घोल सकते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो शुगर की सॉल्युबिलिटी इसमें बढ़ जाएगी, शुगर इसमें फिर ज्यादा क्वांटिटी में घुल जाएगी। रूम टेम्परेचर पे जितना इसमें शुगर डाल रहे हैं और घुल रहा है उससे ज्यादा शुगर हम घोल सकते हैं तब जब इस सॉल्वेंट का हम टेम्परेचर बढ़ा दें, मतलब वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दें, उसको हीट कर दें। तो इसका मतलब ये कि अगर हमको शुगर ज्यादा घोलना है तो हमें टेम्परेचर सॉल्वेंट का इंक्रीज करना रहेगा। अब जो गैस के केस में हो रहा है वो जस्ट इसका अपोजिट है। यहां पर ये है कि टेम्परेचर बढ़ा देने से शुगर की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, शुगर सॉलिड है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है। गैस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाने से गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। यहां पर तो टेम्परेचर बढ़ा देने से शुगर की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ा देने से जो गैस है इसकी सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो जब सॉल्युबिलिटी घट रही है टेम्परेचर बढ़ने से, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर इस वाटर में जो गैसेस मिली हुई हैं वो गैसेस क्या होंगी, वो गैसेस बाहर निकलने लगेंगे, क्योंकि अब ये उनके लिए उतना सॉल्युबल नहीं रहा, अब ये उतना सॉल्युबल नहीं रहा जितना सॉल्युबल उनके लिए तब था जब इसका टेम्परेचर कम था। टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है उस गैस की, तो क्या हो रहा है, वो गैस के बबल्स बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए गैस के बबल्स बाहर निकलने लगते हैं, इसीलिए बबल्स बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी अब कम हो रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, जब उतना गैस इसमें नहीं घुल सकता, नहीं मिल सकता, तो जाहिर सी बात है उसको बाहर निकलना है, बाहर निकल जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट यहां पर होता है। इसके बारे में उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें बस यही है कि आप समझ गए होंगे इसका जस्ट अपोजिट यहां पर होता है। तो इसमें जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है गैस की और गैस बाहर निकलने लगता है। यहां पर जिस तरह से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो यहां पर इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो उससे पहले उसमें बबल्स क्यों निकलने लगते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।